दोस्तों अगर आप कम बजट में एक बेहतर पीसी लेना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे घर पर ही एक पीसी को असेंबल कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों बात करते हैं कि जो पीसी आप असेंबल करते हैं वो सस्ता क्यों होता है और जो पीसी पहले से प्री असेंबल्ड आता है वो इतना महंगा क्यों होता है। अगर आप एक प्री असेंबल्ड पीसी खरीदते हैं तो उसके अंदर आपको इनबिल्ट विंडोज मिलता है, साथ ही साथ उसकी कई सारे स्पेसिफिकेशन होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई एचपी का प्री असेंबल्ड पीसी है तो उसके अंदर वो एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, साथ ही साथ आप उसे मंगवाते हैं तो उसके अंदर वेट लगता है, टैक्स लगता है और साथ ही साथ जो उसे असेंबल करने के जो खर्चा है वो भी उसी में इंक्लूड होता है, साथ ही साथ उसकी पैकेजिंग का खर्चा भी उसी में इंक्लूड होता है। इसलिए जो वो पीसी होते हैं वो महंगे होते हैं। मगर अगर आप अपने घर पर कोई पीसी असेंबल करते हैं तो वो थोड़ा सस्ता होगा। अगर आप एक पीसी असेंबल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कई सारे हार्डवेयर चाहिए होंगे, जिसमें सबसे पहले निकल जाता है आपको एक कैबिनेट चाहिए, क्योंकि एक अगर कैबिनेट के अंदर आप इतने सारे हार्डवेयर को लगा सकते हैं। अगर कैबिनेट नहीं है तो आप उसके अंदर हार्डवेयर नहीं लगा सकते। और एक कैबिनेट होने के बाद अगर आप अगर आप उसके अंदर मदरबोर्ड भी चाहिए होगा, अगर आप कोई मदरबोर्ड खरीदना चाहते हैं तो आप एसएस का या फिर किसी और दूसरी कंपनी का एसएस मदरबोर्ड खरीद सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एसएस कंपनी का मदरबोर्ड अच्छा आता है। अगर आपका बजट लगभग 20,000 रुपये तक है, अगर 25,000 तक, तो आप एचपी का या फिर एसएस का जो मदरबोर्ड है, यानी कि एसएस का एक मदरबोर्ड आता है जो फिफ्थ या सिक्स जनरेशन इंटर को प्रोसेसर को सपोर्ट करता है, आप वो मदरबोर्ड खरीद सकते हैं। मदरबोर्ड में आपको ये देखना जरूरी होगा कि क्या उसके अंदर कितने यूएसबी पोर्ट लगाए जा सकते हैं, साथ ही साथ कितने यूएसबी 3.0 पोर्ट लगाए जा सकते हैं, उसमें कितनी साटा कनेक्ट की जा सकती है, साथ ही साथ उसमें कौन सी जनरेशन की रैम स्टोर की जा सकती है, साथ ही साथ उसकी जो मदरबोर्ड है उसके अंदर जो प्रोसेसर सॉकेट है वो कौन सी जनरेशन का होता है, यानी कि LG के आते हैं लगभग LG A11, वो कई सारे अदर सॉकेट भी आते हैं उसके अंदर मदरबोर्ड में, ये होते हैं। और साथ ही साथ आप उसके अंदर हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर सकते हैं, वो कितनी स्पीड तक की हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट निकल आती है तीसरी, वो है आप इसके अंदर कितनी टेराबाइट की हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कई होते हैं उनकी सिर्फ स्पीड होती है 3 या 4 GBPS, साथ ही साथ उनकी लिमिट भी होती है। मगर कई जो अच्छी कंपनी आते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, उनकी स्पीड आपको देखने को साथ ही मिल जाती है। और आपकी जो हार्ड डिस्क है वो इसका तीसरा मेन पार्ट है एक कंप्यूटर असेंबल करने के लिए। इसका चौथा पार्ट क्या आता है, इसका CPU। आप CPU ले सकते हैं अपनी बजट के हिसाब से, आपको i3 चाहिए, i5 चाहिए या फिर i7 चाहिए। ये 3 CPU आपके पास लिस्ट में है, आप इनमें से कोई भी CPU चूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से i3 प्रोसेसर आता है लगभग 8,000 का, अगर आप i5 लेते हैं तो वो आता है 14,000 का, अगर i7 लेते हैं तो वो लगभग 24,000 का आपको CPU देखने को मिलेगा। अब इसमें चौथी बात यह आती है इसकी रैम। रैम इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर कंप्यूटर में रैम ना होगी तो कंप्यूटर आपको स्टार्ट ही नहीं होगा। और साथ ही साथ जितनी बड़ी रैम होगी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा 8 GB रैम आपके लिए काफ़ी होगी। अगर आप कोई और ज़्यादा हेवी काम करना चाहते हैं तो आपके लिए और बड़ी रैम भी काफ़ी होगी। और अगर आप कोई और ज़्यादा हेवी गेम खेलना चाहते हैं या मूवी खेलना देखना चाहते हैं तो आपको एक अगला हार्डवेयर होगा जिसका नाम है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड आपको बहुत ज़रूरी होगा अगर आप हाई एंड गेमिंग करना चाहते हैं या फिर कोई फुल HD या 4K फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको एक हार्ड डिस्क जरूरी होगी। और इसमें अगली बात निकल आती है इसकी जो पावर यूनिट होती है वो। आपको अगर एक अच्छा पीसी असेंबल करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कम से कम आपको 500 वाट का जो पावर सप्लाई होती है वो इसमें चाहिए होगी। पावर सप्लाई के बिना ये सारे कंपोनेंट है वो काम नहीं करेंगे, इसलिए आपको एक अच्छी पावर सप्लाई चाहिए होगी। साथ ही साथ आपको जो कैबिनेट है उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसमें टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए कितने फैन है, लगभग 2 फैन होने चाहिए ताकि आप टेम्परेचर कंट्रोल रह सके। उम्मीद आपको पता चल चुका होगा कि पीसी असेंबल करने के लिए किस किस हार्डवेयर की जरूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।